है आप सभी लोगों का योगेंद्रा बायोलॉजी क्लासेस में। लाइव आ जाइए डियर सभी लोग। जुड़ जाइए। निधि, सत्य प्रकाश, सृष्टि, रूबी, रजनी, पूजा, सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा, रूबी जो है इन्होंने अपना जीमेल आईडी चेंज करके बनाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सभी लोग पढ़ते रहिए। और जल्दी से देखिए, इतने पहले हम शेयर कर देते हैं ताकि सभी लोग टाइम से जुड़ जाएं, फिर भी लोग सो रहे होते हैं। सोइए, आराम से सोइए, क्या करना है, जरूरी भी है थोड़ा सा सोना। ठीक है, तो आप लोग सोते रहिए और जो जगे हैं वो जुड़ते रहें, बाकी हम आपके टॉपिक से लिंक होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों को आज नई टॉपिक स्टार्ट करनी है और वो आपके बीएससी थर्ड ईयर की जो जूलॉजी फर्स्ट पेपर चल रही है ना, उसकी थर्ड यूनिट का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो बहुत मेहनत किया हुआ है आप सभी लोगों ने मिल करके। आप पता नहीं आप सब लोग मिल करके कि हम अकेले मेहनत किए हैं, कि बीएससी थर्ड ईयर का लगभग पहले पेपर कंप्लीट होने की कगार पर है। तो शायद आप सब लोग का भी साथ है, मेहनत है, सबको मानना पड़ेगा। चलिए, तो पोल्ट्री मतलब क्या होता है, आज हम लोग मुर्गी पालन की बात करेंगे, बत्तख पालन की बात करेंगे, गीज पालन, गीज मतलब कलहंस होता है, इनके पालन की बात करता है। बेसिकली ऐसे बर्ड्स को पालने की कोशिश करेंगे हम जिनके एग्स यूटिलाइज किए जाते हैं, जिनको और मीट के फार्म में यूटिलाइज किया जाता है। ऐसे बर्ड्स को जनरली, अब नॉर्मली जो डक की कैटेगरी में आते हैं, उनके कल्चर को, उनके पालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, पोल्ट्री कहते हैं डियर, है ना, पोएट्री नहीं कहिएगा, पोल्ट्री। चलिए, तो पहला पॉइंट यहां पर लिखिए, इसमें है क्या, मुर्गी पालन में बहुत सब लोग जनरली जानते होंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें लिखने आगे बढ़ना है क्या, पोल्ट्री कीपिंग, पोल्ट्री कीपिंग, कीपिंग का मतलब यहां पर सेंस क्या हो जाएगा, मुर्गी पालन करना, है ना, इज द डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन पालतू बनाना ऑफ फाउल, फाउल बाई मैन फॉर यूटिलिटी, यूटिलिटी एंड फैंसी पर्पज, पर्पजेस कर लेते हैं, तो यहाँ पर यूटिलिटी और फैंसी हाईलाइट कर देंगे हम, ये पॉइंट है। बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कहा क्या गया है। अब यूट्यूब पर जो लोग पढ़ाते हैं ना, आप देखते होंगे बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं, आप सभी को लोग आ जाना चाहिए, एक साथ सबको जुड़ जाना चाहिए, मतलब लगातार ऐसे बोलते जाते हैं जैसे सांस ही नहीं लेना है। अब उनको हम देखते हैं जैसे लगता है पीछे से कोई खदेड़ रहा है, नहीं आप खूब तेजी से बोलो तभी समझ में आएगा। तो हम भी कभी कभी देखते हैं YouTube पर, तो कभी कभी हंसी आती है, कुछ एक आध लोग हैं, लेकिन वो उनका अपना तरीका है, ये नहीं कह रहे हैं वो गलत हैं, बहुत अच्छे हैं वो, अपना अपना तरीका। हम यहाँ हमारी गाड़ी थोड़ी सी धीरे चलती है कछुए की चाल से, चाहते हैं कंटिन्यू इसलिए धीरे चलती है। देखिए, पोल्ट्री कीपिंग इज द डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल, फाउल मतलब क्या होता है, फाउल मीन्स चूजा, यानी मुर्गी के बच्चे को फाउल कह सकते हैं, बत्तख के बच्चे को फाउल कह सकते हैं, कलहंस यानी गीज कहते हैं उनके बच्चे को फाउल कह सकते हैं,
उनको कल्चर करना बाई मैन फॉर यूटिलिटी, मतलब अपने यूज के लिए एंड फैंसी पर्पज। आप सोचिए मुर्गी का यूटिलाइजेशन फैंसी में कैसे हो सकता है, लेकिन पहले के समय में लोग कॉक फाइटिंग में यूटिलाइज करते थे, जहाँ पर ये इनका कॉक है ये फलाने का कॉक है, दोनों की फाइटिंग करना वो देखना चाहते थे, जो अब नहीं हो रहा है। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं द पोल्ट्री इंक्लूड, नेक्स्ट पॉइंट, द पोल्ट्री इंक्लूड्स। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कुछ वर्ड्स यहाँ पर बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं वो हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला फाउल्स हो गए, दूसरे यहाँ पर डक, तीसरे गीज, ईटीसी कर लेते हैं। गीज मतलब कलहंस होता है, ये बत्तख की जैसे ही प्रजातियाँ होती हैं जो वेरियसली कलर्ड होती है, जैसे ब्राउनिश कलर की हो सकती है, येलोइश कलर की हो सकती हैं, दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये थोड़े से कह लीजिए कि वाइल्ड टाइप के ऑर्गेनिज्म होता है ये गीज, कलहंस कहते हैं इनको हिंदी में, ठीक है। इतना स्टडी कीजिएगा और खुद से भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पोल्ट्री मेनली डील्स फॉर फाउल, और जहां पर फाउल आता है हम स्पेशली चूजे की बात करते हैं, और वो मुर्गी के चूजे की बात करते हैं, तो पोल्ट्री मेनली किससे रिलेटेड होगा, फाउल। हालांकि ये सब पॉइंट यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। बहुत अच्छे, सभी लोग मस्त रहे, सभी लोग सेफ रहे, ये जरूरी है, होना भी चाहिए। चलिए इसके बाद ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब मुर्गी पालन क्या है, तो आसान है, इसमें कोई मैकेनिज्म थोड़ी है, ये हमें पूछना भी नहीं चाहिए, समझ में आए कि नहीं आए। चलिए इसके बाद लिखेंगे हम डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल, ऐसा लिखेंगे हम डोमेस्टिकेशन, ऐसे रहेगा डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ओरिजिनेटेड इन इंडिया। खासकर जब मुगल काल चल रहा था, दिल्ली सल्तनत चल रही थी हमारे इंडिया में, तो ऐसे केस में जो बादशाह सम्राट नवाब हुआ करते थे वो मुर्गों को पालते थे, इसलिए पालते थे कि मुर्गों का कंपेयर होता था उनकी फाइटिंग देखने के लिए, वो जैसे आज क्रिकेट लोग देखने जाते हैं, तब इनकी फाइटिंग को लोग देखने जाया करते थे, है ना, और उनको बहुत शौक से पालते थे, मुगल काल में खासकर ही ऐसा था। तो वही है, डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, मतलब यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी हमारे इंडिया से। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राजन जी, नेक्स्ट पॉइंट वही है, लिखिए इनिशियली, शुरुआत में डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल इज मेनली फॉर कॉक फाइटिंग, वही पॉइंट लिखा हुआ है, कॉक मतलब मुर्गे, फाइटिंग की लड़ाई, ये मतलब इनका पालन पहले किस लिए हुआ करता था, हमने कहा नहीं फैंसी पर्पज के लिए, मतलब इनको सजाते थे बढ़िया से, मेंटेन करते थे, खिलाते पिलाते थे अच्छे से, बॉडी फिटनेस बनाई जाती थी इनकी, और तब इनकी फाइटिंग देखी जाती थी लोगों के द्वारा। अरे ये क्या है, जब कोई काम धाम नहीं है तो यही सब पड़ा हुआ था। प्रीति, हाँ गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, लेकिन थोड़ा सा
रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जल्दी आया कीजिए सभी लोग। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमें यूज करना है वो क्या है, इनके मीट और एग के लिए है, वो लिखिए बट लेटर, बाद में। पोल्ट्री इज मीन्ड फॉर एग्स एंड मीट, दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन आपका नहीं होगा, फिर भी भाई कह रहे हैं कि अगर कुछ पूछना है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। तो क्या समझ में आ रहा, देखिए इनिशियली मतलब शुरुआत में, डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल, मुर्गी का पालन किया जाना, इज मेनली फॉर कॉक फाइटिंग, उनके लड़ने के लिए, उनकी फाइटिंग के लिए होता था ये। अब क्या है, बट लेटर पोल्ट्री इज मीन फॉर एग एंड मीट, मतलब नॉन वेजिटेरियन के लिए, हालांकि कुछ एग्स को वेजिटेबल या वेजिटेरियन के केस में रखा जाता है, ऐसा हमको समझना होता है। चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिए एग्जोटिक और इंपोर्टेड ब्रीड्स। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग रहेगा यहां पर एग्जॉटिक और इंपोर्टेड ब्रीड्स। इंपोर्ट करना मतलब क्या होता है, किसी दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में लाना, मंगाना, उसको आयात कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंपोर्ट। और अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री को हैंडओवर करना, वहां पर प्रोवाइड करना, मतलब जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, पहुंचाना, जिसको निर्यात कहते हैं हम इकोनॉमिक के सेंस में, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए द ब्रीड्स व्हिच आर इंपोर्टेड, व्हिच वाज इंपोर्टेड, ऐसे कह सकते हैं, इंपोर्टेड इन आवर कंट्री आवर कंट्री आर कॉल्ड एग्जोटिक ब्रीड्स। ब्रीड्स मतलब उनके स्पेसीज की बात की जा रही है यहां पर, समझिएगा वही जो हमने हिंदी में आपको समझा दिया है कि दूसरे कंट्री से इनके स्पेसीज को हमारे कंट्री में मंगाना, वही कहा जाएगा एग्जोटिक या इंपोर्टेड ब्रीड्स, वही लिखा हुआ है। द ब्रीड्स व्हिच वाज इंपोर्टेड इन आवर कंट्री आर कॉल्ड एग्जोटिक ब्रीड्स, सिंपल। इसके आगे हम लोग लिखेंगे देयर आर मेनली, ऐसा लिखेंगे देयर आर मेनली फोर क्लासेस ऑफ एग्जोटिक ब्रीड्स। ये मतलब अब तक जितने भी स्पेसीज इनके इंपोर्ट किए गए हैं, निर्यात किए गए हैं, उनकी टोटल कैटेगरी यहाँ पर कितनी बताई जा रही है, फोर क्लासेस में इनको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। तो इनको रिमूव करने के बाद ऊपर से नंबर वन हेडिंग डालेंगे अमेरिकन क्लास। फर्स्ट यहाँ पर हेडिंग सभी लोग ऐड कीजिए डियर अमेरिकन क्लास। अभी नाम से तो क्लियर हो रहा है ना कि ऐसे स्पेसीज पोल्ट्री फाउल के, ऐसे स्पेसीज जो अमेरिका से इंपोर्ट किए गए होंगे, उन सारे स्पेसीज को हम किस क्लास में रखेंगे, अमेरिकन क्लास में रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पर। तो इसमें लिखना है मोस्ट ऑफ द अमेरिकन ब्रीड्स, ऐसे लिखिए मोस्ट ऑफ द अमेरिकन ब्रीड्स आर ऑफ ड्यूअल पर्पज,
आर ऑफ डुअल पर्पज, कॉमा करके फॉर एग्स एंड मीट। बस मतलब अमेरिका से जो कॉक या हेंस इंपोर्ट किए गए हमारे इंडिया में, वो बेसिकली किस लिए इंपोर्ट किए गए? उनके एग्स के लिए और उनके मीट के लिए इंपोर्ट किए गए थे। ठीक है, चलिए इसमें अमेरिकन ब्रीड्स हैज, दूसरा पॉइंट हमें लिखना है अमेरिकन ब्रीड्स हैज। अब इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसमें हम दो चार कैरेक्टर्स को लिखेंगे। पहला येलो फीदर, येलो फीदर, फीदर मतलब क्या होता है, पंख। तो ऐसा लगता है ना, बॉयलर मुर्गे जो आते हैं उनके पंख बेसिकली येलोइश नेचर के होते हैं, ये कलर के होते हैं। यही रेड ईयर लोब्स, यहां पर समझिए रेड ईयर लोब्स, यानी कान का जो पिन्ना होता है ना, ये पिन्ना, इस पिन्ने की जो कलरिंग बताई गई है कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। ये किस क्लास के कैरेक्टर्स की बात हो रही है, अमेरिकन क्लास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखना है लेज, अंडे की बात कर रहे हैं यहां पर, लेज ब्राउन शील्डेड, ब्राउन शील्डेड एग्स। अच्छा, ये सील्ड मतलब क्या होता है, जैसे हमने सेकेंड ईयर में जब आपको समझाया था कि ये आउटर कोटिंग जो बनी होती है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और उस कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल। ओके, उसी सेल को यहाँ हम शील्ड कह रहे हैं, समझ में आना चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सैलिन जी। इसके बाद आगे लिखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट करके इंपॉर्टेंट अमेरिकन ब्रीड्स, अमेरिकन ब्रीड्स आर मतलब कुछ अमेरिकन क्लास के स्पेसीज या वैरायटी जो यहां पर हम लोग लिखने चल रहे हैं। ठीक है, उसमें से लिखिए, पहला है रोड आइसलैंड रेड, रोड आइसलैंड रेड, ये मुर्गे का नाम है डियर, याद करना पड़ेगा आपको। ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि रोड या रोडे आइसलैंड रेड किस क्लास की वैरायटी के कॉक होते हैं या हेंस होती हैं, तो हम इनका आंसर देंगे अमेरिकन क्लास के होते हैं। तो बहुत आराम से, बहुत बारीकी से हमें समझना होगा, लर्न भी करना होगा डियर। दूसरा पॉइंट पॉलीमाउथ रॉक, पॉलीमाउथ रॉक, इससे यानी आज के पहले आप मुर्गे का नाम नहीं जानते रहे होंगे। हाँ, ये जरूर कहते रहे होंगे ये देसी मुर्गा है, ये विदेशी मुर्गा है, बॉयलर है, ऐसा कहते रहे होंगे, लेकिन मुर्गे का नाम आज तक आप नहीं जानते रहे होंगे। आज हम आपको कम से कम 10 मुर्गों का नाम याद करा देंगे। तो देखिए, पहला कौन सा हो गया, रूडे आइसलैंड रेड, ये फर्स्ट है जो अमेरिकन क्लास से है। दूसरे कॉक का नाम क्या है, पॉली माउथ रॉक। अब ये ना कहिएगा इसके माउथ पॉली, मैंने ढेर सारे होते हैं, ये इनका नेम है डियर, पॉली माउथ रॉक। तीसरा यहां पर न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, SHIRE, ऐसे न्यू हैम्पशायर। ये तो पिछली बार का जो TGT हुआ था वहां पे पूछ लिया था कि न्यू हैम्पशायर किसकी वैरायटी है, फिश की है और पोल्ट्री की है, यानी कॉक की है, ऐसे तीन चार ऑप्शन थे। तो वहां पर ऑप्शन में पोल्ट्री जो था वो पोल्ट्री पर हमने लगाया था, सही था। हाँ चलिए, न्यू क्या है, वाइंडोट। इसके बाद
वाइनडोट, तो हमने चार वैरायटी बता दी, एटसेट्रा कर लीजिए, और भी बहुत वैरायटीज होती हैं, लेकिन इन वैरायटीज को कुछ हमारे बादशाहों ने, हमारे यहाँ के नवाबों ने अमेरिका से हमारे इंडिया में इंपोर्ट किया हुआ था, ठीक है। तो उनमें से कुछ वैरायटीज यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए आप दूसरे नंबर पर हेडिंग ऐड कर दीजिए, एशियाटिक क्लास। नाम तो आपको याद करना पड़ेगा, हम सिर्फ लिखते और समझाते चले जाएंगे। क्या है एशियाटिक क्लास? अमेरिकन क्लास कंप्लीट हुआ, दूसरे नंबर की जो इनकी क्लास है, मतलब इनको कैटेगराइज किया गया है, वो है एशियाटिक क्लास। इसमें लिखिए breeds of this class had been developed from Asian continent से, है ना, यहां से डेवलप किए गए हैं, एशिया से बेसिकली डेवलप्ड होता है, कुछ खास नहीं है वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखिए, फाउल्स ऑफ दिस क्लास बेसिकली हैज मतलब उसके कैरेक्टर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे अमेरिकन क्लास में स्टडी किए सेम वैसे ही। पहला पॉइंट क्या है, लार्ज बॉडी मतलब शरीर से ये वेटेड होता है। दूसरा फ्लैटेंड सैंक, SHANK सैंक, यहां पर इसकी हिंदी हम आपको बता देंगे, टांग मतलब उनके पैर की बात हो रही है, तो लेग यूटिलाइज नहीं करते, सैंक यूटिलाइज करते हैं मुर्गों के पैर के लिए या मुर्गियों के पैर के लिए। आप ऐसा नहीं पूछिएगा मुर्गे हो गए तो मुर्गियों की बात क्या होगी अलग से। फाउल मींस चूजा, चिकन मतलब जो छोटे छोटे चाइल्ड्स होते हैं उनको कहा जाता है फाउल्स। चलिए सैंक। थर्ड पॉइंट यहां पर लिखेंगे हैवी बोन्स मतलब इनकी हड्डियां जो होती हैं वो थोड़े वेटेड होती हैं, जब बॉडी वेटेड है तो बोन्स भी वेटेड होंगी। नेक्स्ट पॉइंट येलो स्किन मतलब फीदर, पंख के नीचे जो त्वचा है उनका कलर कैसा बताया जा रहा है, यहां पर येलो बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट रेड ईयर लोब्स कान की पिन्ना, यहां भी रेड है, अमेरिकन क्लास में भी हम लोगों ने रेड क्लास का स्टडी किया हुआ था। एक और पॉइंट लिख लीजिए, लूज प्ल्यूम्स। अब ये पॉइंट हमको समझना, प्ल्यूम्स क्या होता है डियर, इनके पंख में, इनके फीदर में जो छोटे छोटे बॉडी पर लगे हुए कवरिंग प्रोवाइड करता है ना, मतलब बॉडी इनकी फुल्ली कवर्ड होती है फीदर से, तो उनके जो यूनिट्स होते हैं उन्हें हम प्ल्यूम्स कहते हैं। वो लूजली अरेंज होता है मतलब थोड़े दूर दूर, ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी बहुत घने फार्म में कवर्ड होती है। यहां से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, members of this class are poor egg layer, ऐसे लिखिएगा, लास्ट तक दिख रहा है बिल्कुल, poor egg layer मतलब ये बहुत कम अंडे प्रोड्यूस करते हैं, poor egg layer and produces brown shielded eggs, और जो भी अंडे प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई जो कोटिंग होती है वो ब्राउन शील्डेड होती है,
इसको हाईलाइट कीजिए, यही सब पॉइंट है डियर। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आपके सिलेबस में रखा हुआ यूनिवर्सिटी के थ्रू वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप इसमें लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ दिस क्लास आर, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग अमेरिकन में पढ़े थे ना वाई डॉट, ऐसे करते हुए तीन चार पढ़े थे, तो वैसे यहां भी दो तीन स्पेसीज इनके हम पढ़ेंगे। पहला क्या हो जाएगा, कोचिन, ये कोचिन। तो कोचिन नाम किसका होता है, मुर्गे का नाम होता है कोचिन। अरे अजीब सी बात हो गई कि कोचिन, कोचिंग आई एन जी लग गया होता तो वहां पर कोचिंग हो जाता, लेकिन ये जी एब्सेंट करते हुए कोचिन नाम है मुर्गे का। और इनको स्पेशली कहा जाता है संघाई फाउल, संघाई फाउल कहता है ना, ये चाइना का एक पार्ट होता है, आप याद रखे होंगे, कहीं सुने होंगे। एक और जो स्पेसीज है कई बार पूछ लेता है, ब्रह्मा। ये देखिए, अभी तक तो हम लोग ये जानते थे कि गॉड का नाम है भगवान, भगवान ब्रह्मा कहता है, लेकिन ब्रह्मा तो यहाँ पे एक मुर्गा भी है, तो ऐसे याद रखना है। तीसरा लैंगशैन, लैंगशैन याद कर लीजिए, एक साथ है लैंगशैन। तो तीन नाम यहां पर हो गए एशियाटिक क्लास में, पहला कोचिन, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा लैंगशैन। ओके, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे तीसरे नंबर पे इंग्लिश क्लास। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि चिकन पढ़ के हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बोरिंग हो रहा है ये क्लास, तो आप कुछ और बातें कर सकते हैं, एक मिनट का टाइम आपको देते हैं। मतलब बोरियत फील नहीं करनी है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है भाई, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हमें स्टडी करना ही होगा चाहे जैसे, मतलब हम इसे स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप करते हैं इट मीन्स अपने पूरे सिलेबस को हम कवर नहीं करते हैं। तो हमारी और साथ साथ आप सब लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसे स्टडी करना ही चाहिए। ओके, और कोई कमेंट्स नहीं कर रहे हैं? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक बार गुड मॉर्निंग कमेंट किए उसके बाद सो गए, सो जाइए, जरूरी है सो जाइए। अब ये कैसे बताया जा सकता है, सबसे अच्छा मुर्गा कौन होता है, हम नहीं बता सकते इसको। तीसरे नंबर पर आ जाइए, हेडिंग ऐड कर दीजिए इंग्लिश क्लास, इंग्लिश क्लास। वैसे एक पॉइंट आपको जरूर बता देते हैं भाई, पूछा इन्होंने खड़क, नहीं कड़कनाथ है, कड़क नाथ मुर्गा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कड़कनाथ मुर्गा जो है ये अब तक का सबसे बेहतरीन डिस्कवर किया हुआ मुर्गा है। और इसके जो ब्लड होते हैं, समझिएगा ब्लड, इसके जो एग्स होते हैं, इसकी जो मीट होती है, इसके जो फीडर्स होते हैं, इसकी होल बॉडी कह लीजिए, होल बॉडी फाइनली ऐसा कह दीजिए, ये सभी ब्लैक होते हैं, ब्लैक होता है, ये आप समझ लीजिए किसकी बात कर रहे हैं। कड़कनाथ हिंदी में लिखेंगे इनको, यहां पर लिख देता है कड़क नाथ। अगर इसको आप ऑनलाइन मंगाते भी हैं ऑनलाइन, तो ये मान के चलिए कि एक मुर्गा कम से कम 2500 से 3000 रुपए के बीच में आपको मिलेगा, एक सिंगल की बात कर रहे हैं, वन कॉक, इतने प्राइस की बात करेंगे हम, ये सिंबल, ठीक है, इतना महंगा हो गया है ये कड़कनाथ। लेकिन आप इनके बारे में स्टडी करिए, इंटरनेट पे उपलब्ध है, तो लगभग 280 नॉर्मल डिजीज को स्किप करता है ये, समझिएगा। मतलब कड़कनाथ मुर्गा जो है
इसकी यूटिलाइजेशन से जो नॉर्मल 280 बीमारियां होती है मनुष्य में वो रिमूव्ड हो जाती हैं, इतना बेनिफिशियल है यहाँ पर। चलिए इसे रिमूव करते हैं, अब इंग्लिश क्लास में हम लोग आ जाते हैं। इसका पहला पॉइंट, ऑल द ब्रीड्स ऑफ दिस क्लास आर ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। मतलब इनकी सारी स्पेसीज कहाँ पर डेवलप हुई, ऑर्गेनाइज हुए, इंग्लैंड में। चलिए इसके आगे की बात कर लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास हैज, मतलब उनकी कैरेक्टर्स की बात हम लोग करने चल रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट, लॉन्ग एंड डीप बॉडी। पहला पॉइंट, लॉन्ग एंड डीप बॉडी, ये हो गया। सेकेंड पॉइंट हमें यहां पर, ब्रॉड शोल्डर, ब्रॉड शोल्डर माने इनका कंधा चौड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पिंक ईयरलोब्स। इससे पहले ईयरलोब कैसा स्टडी किए, अमेरिकन में रेड, एशियन में रेड, लेकिन इंग्लैंड में इनकी पिन्ना जो होते हैं कान के, इनका रेड ना होकर के पिंक कलर बताया गया है। ठीक है चलिए इसके बाद, ब्राउन शील्डेड एग्स, नोट कर लीजिए ये इनकी कैरेक्टर्स बताए गए, ब्राउन शील्डेड एग्स। कोई क्वेश्चन यहां से जो नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों के वो पूछिएगा, या इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहता है वो भी पूछ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है यहां पर, डियर, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ दिस क्लास आर करके तब डैश लगाएंगे हम। ठीक है नितिन, कौन कहाँ पाया जाता है? ये बेसिकली कड़कनाथ मुर्गा की अगर बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है। इनको साइंटिस्ट ने क्रॉस करके बनाया हुआ है, ये मतलब कह लीजिए साइंटिफिक है ये, इसलिए उनके बारे में ऐसा स्पेशल कैरेक्टर्स है। ठीक चलिए तो पॉइंट वाइज लिखते जाइए कि इनके जो वेराइटीज है वो कौन कौन से हैं। तो पहला इनमें है ससेक्स, ये मुर्गी का नाम है ससेक्स। दूसरा क्या है, ऑर्पिंगटन, ऑर्पिंगटन। तीसरा हो जाएगा यहां पर डियर, ऑस्ट्रेलोप, ऑस्ट्रेलोप। नेक्स्ट यहां पर है कॉर्निस, एक और लिख लेंगे हम यहां पर डॉर्किंग, डॉर्किंग, ये एटसेट्रा कर दीजिए। ये सारे वेराइटीज इंग्लैंड क्लास के हैं या इंग्लिश क्लास के हैं, नोट कीजिए सभी लोग फास्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए फोर्थ नंबर पर हेडिंग ऐड करते हैं, मेडिटेरेनियन क्लास, मेडिटेरेनियन फोर्थ नंबर पे। ये मेडिटेरेनियन मतलब ऐसे एरिया से जो बेसिकली समुद्र के किनारे डेवलप्ड है, उस कंट्रीज की बात करता है मेडिटेरेनियन में। तो यहां पर लिखिए, ओरिजिनेटेड, मेडिटेरेनियन में आते क्या है, इन वो लिखना है यूरोपियन,
कंट्रीज यहां पर यूरोपियन कंट्रीज नोट कीजिए। ब्रैकेट में थोड़ा सा एडिट कर लेंगे, हमने लिखा भी है कॉपी में, मेनली फ्रॉम इटली, मेनली फ्रॉम इटली, बाय द साइट ऑफ, बाय द साइट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। नोट कीजिए डियर। दूसरा पॉइंट हमें लिखना है, दे आर लाइट बॉडीड, ऐसे लिखना है, दे आर लाइट बॉडीड, मतलब इनकी शरीर हल्की होती है, विद नॉन फीदर्ड, अंडरलाइन कर देंगे, सैंक। और सैंक का मतलब हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले हिंदी में, टांग, मतलब इनके टांग पर कोई फिदर नहीं होते, बिल्कुल ओपन होते, वैसे भी नहीं होते, लेकिन इनके फुल पूरे पूरे टांग सैंक इनके ओपन होता है, ये कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, हैव लार्ज क्रीम कलर्ड, क्रीम कलर्ड कॉम्ब। अब यहां कॉम्ब का मतलब कंघा नहीं होगा, कॉम्ब का मतलब जो इनके हेड पे होता नहीं कि ऐसे लंबा सा केस जैसा स्ट्रक्चर बड़ा होता है, उसी को यहां पर कहा जा रहा है कॉम्ब। ओके, जैसे ये कहा जाए कि ये कुकड़ू को बोल रहे हैं, गला मोटा तो नहीं हो जाएगा, ऐसे समझिएगा। तो इनके हेड पर यहाँ ये इनकी बात हो रही है, यही यही स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअल में, कॉम्ब की बात हो रही है, जो ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखते हैं भाई कॉक्स के बारे में, थोड़ा सा और है, लिख लीजिए। दे मेच्योर्स अर्ली, मतलब जल्दी ये बड़े हो जाते हैं, एंड लेज गुड एग्स, अच्छे अंडों का प्रोडक्शन करते हैं ये, गुड एग्स। नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है जल्दी से, एग्स आर व्हाइट सील्डेड, व्हाइट सील्डेड, अभी तक जितने में हम पढ़े सब में ब्राउन आता गया, इनकी क्लास में एक की जो कोट होती है कैल्शियम कार्बोनेट की वो व्हाइट सील्डेड होती है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ दिस क्लास आर, तो कुछ ब्रीड्स के बारे में हम यहां उनका नेम देते हुए लिखेंगे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। पहला पॉइंट यहां पर है लेग हॉर्न, लेग हॉर्न, ये एक वैरायटी हो गई। दूसरी वैरायटी मिनॉर्का या माइनॉर्का, माइनॉर्का। तीसरा यहां पर हमें लिखना है एक एनकोना, एनकोना, तीन वैरायटी हो गई। चौथे नंबर पर स्पैनिश, स्पैनिश एक है यहां पर, एंडालुसियन, एंडालुसियन, एंड लास्ट वन बटरकप, बटरकप। ये अगर पूछ लिया जाएगा, ये अलग से है देखिए नाम, बटर कप पूछ लिया जाए कि बटर कप किसकी वैरायटी है और तीन चार ऑर्गेनिज्म दे दिया जाए, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि बटर कप क्या हो सकता है।
बटर कप तो बटर यानी मक्खन से बात है, कप में बटर रखा हुआ उसी की बात कर, नहीं बटर कप यहाँ पर कॉक्स की बात हो रही है, पोल्ट्री से रिलेटेड है। ओके तो अब आप लोग हेडिंग ऐड कर दीजिए, क्लासेस 4th है जो हम लोग डिस्कस कर चुके। यहाँ से कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम तो आप प्लीज़ पूछिएगा। आप सभी लोग हेडिंग ऐड कर दीजिए, मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री, मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री ये, और ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप बेहिचक पूछा करिए, ऐसा नहीं कि आपके कमेंट्स को कोई देख लेगा तो नाराजगी हो जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। कोई भी क्वेश्चन रहे आप पूछिएगा, नहीं तो पढ़ाई का मतलब क्या होता है? या तो आप सब समझ रहे हैं या फिर कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो दो बातें हो सकती हैं, कहावत है पुरानी। चलिए और लास्ट मैसेज आप सभी लोगों के लिए है कि दो बात, दो मैसेज। एक तो सभी लोग फी डिपॉजिट करके एडमिशन करवा लीजिए, जो अगस्त में नहीं जमा किए थे सितंबर में नहीं जमा किए हैं, दोनों मंथ की फीस जमा कर दीजिए। ऐसे नहीं काम चलने वाला है, अगर फी डिपॉजिट नहीं करोगे तो, मैं अभी कह रहा हूँ ना, देखिए जो बार बार कहते हैं वो कभी गरजते हैं तो भारी पड़ जाता है। गरजने का सेंस कहना गरजना हो गया, बरसते हैं तो भारी पड़ जाता है ये कहिए। मतलब एक बार दो बार तीन बार 10 बार कहने से आप नहीं मान रहे हो, एक बार सडनली कर लेंगे तो आप कहोगे इन्फॉर्म नहीं किया गया, कितनी बार इन्फॉर्म करेंगे। चलिए मस्त रहिए और अगले तैयारी करें। एक मैसेज तो बता दिया हमने एडमिशन का, दूसरा मैसेज संडे एक दिन ऐसा रखेंगे जिस दिन हमारे लिए भी रिलैक्स होना चाहिए, फ्री रहना चाहता है। तो संडे को आप मैसेज नहीं करोगे, सर पढ़ाया क्यों नहीं गया। एक और बात एक्स्ट्रा बता देता है, वो कोई मैसेज नहीं है, ग्रुप में सब लोग जब चाहे गुड मॉर्निंग, जब चाहे कॉमेडी, जब चाहे न्यूज़ भेज देते थे, तो न्यूज़ के लिए थोड़ी ग्रुप बना हुआ है कि आज इस जगह पर देखिए एक्सीडेंट हो गया, या वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ऐसा रिजल्ट, इसलिए मैंने ग्रुप नहीं बनाया था। ग्रुप इसलिए बनाया था कि आपकी पर्सनल बात अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आप शेयर करो, मेरे द्वारा जो मैटर्स है वो आपको मैं शेयर करूं, लेकिन मैंने रोक दिया, अब आप शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी आदत कहे पर सुधरने वाले नहीं है, आप जानो। फिर हमारी मुलाकात आपसे नेक्स्ट डे होगी, आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए मस्त रहिए, टेक केयर, बाय।